तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आपका स्वागत करता हूँ TYG सॉफ्टवेयर गुरु के बिल्कुल फ्रेश न्यूज कमाल के एपिसोड के अंदर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शाओमी के रेडमी 9 और शाओमी के रेडमी 8 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको बता देता हूँ, जो रेडमी का नोट 9 नहीं, जो आपका रेडमी 9 है, जो कि आपका बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर। एंड कंपनी ने इसके पूरे स्पेसिफिकेशन को बता चुकी है। एंड दोस्तों, आप काफ़ी लोगों को जानना हुआ कि उन्हें रेडमी 8 और रेडमी 9 में क्या करना चाहिए, ले लेना चाहिए रेडमी 8 को या फिर वेट करना चाहिए रेडमी के 9 के लिए। तो दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना, आपके सभी सवालों के जवाब को मैं क्लियर करूंगा। एंड दोस्तों, आज की अगर इस वीडियो को एंड तक देखना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साथ में बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्टिंग करेंगे दोनों फोन के स्क्रीन के साइज के साथ। तो बता दूं, जहां आपको Redmi 9 में मिलता है 6.22 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, जो कि आपका बेस्ड है 414 PPI पर और एक IPS LCD वाला डिस्प्ले है। वहीं पे आपको Xiaomi का Redmi 8 में मिलता है 6.22 इंच का HD प्लस वाला डिस्प्ले, जो कि आपका बेस्ड है 294 PPI पर और एक IPS LCD वाला डिस्प्ले है। तो मतलब अगर आप देखते हो एक तरफ से, तो दोनों फोन का जो डिस्प्ले है वो एक्चुअली सेम है। जी हाँ, दोनों फोन डिस्प्ले आपका पूरा सेम है। बट बात करें तो अगर क्वालिटी की, तो हल्का सा रेजोल्यूशन हाई है आपका Redmi 9 का। तो दोस्तों, डिस्प्ले की क्वालिटी वाइज मैं वोट देना चाहूँगा Redmi 9 को। इसके आगे बढ़ते हैं दोनों फोन के प्राइस की तरफ और रैम और रोम को भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, बता दूँ, जहां आपको Redmi 9 मिलता है 10,000 में 4GB रैम 64GB के इंटरनल मेमोरी के साथ, वहीं पे आपको Redmi 8 मिलता है 9000 में 4GB रैम और 64GB की इंटरनल मेमोरी के साथ। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा प्राइस वाइज देखते हो तो ऑफकोर्स Redmi 8 आपका अच्छा है। बट अगर थोड़ी सी आप स्पेसिफिकेशन देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फ़ोन बेस्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं दोनों फ़ोन के कैमरे की तरफ। तो बता दो, कैमरे में अगर बात करें Redmi 8 की, तो Redmi 8 में आपको मिलती है डुअल प्राइमरी कैमरा, जो कि है आपके 12+2 मेगापिक्सल के, जबकि आपको Redmi 9 में मिलती है डुअल प्राइमरी कैमरा, जो कि आपके 13+5 मेगापिक्सल की। मतलब कैमरा वाइज भी आपका Redmi 9 में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया। और बात कर लें फ्रंट कैमरा की, तो दोनों ही फ़ोन में आपको 8 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे दिए जाते हैं, जो कि आपके वाटर ड्रॉप नॉच के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कैमरा वाइज अगर आप दोनों फ़ोन को देखते हो तो ऑफकोर्स Redmi 9 थोड़ा सा आगे निकल जाता है। बट भाई, क्वालिटी आई थिंक सेम होनी चाहिए दोनों फ़ोन की, क्योंकि दोनों फ़ोन में आपके सेम सेंसर यूज़ होते हैं। एंड बात कर लें इसके अलावा दोनों फ़ोन के एज अ बैटरी के बारे में, तो दोनों ही फ़ोन में आपको 5000 mAh का बैटरी बैकअप दिया जाता है, जो कि आपका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। जी हाँ, दोनों का आपका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, ना कि कोई उससे ज़्यादा चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब चलिए बढ़ते हैं दोनों फ़ोन के मेन फीचर, जो कि उन दोनों फ़ोन का प्रोसेसर। तो बता दूँ, जहाँ आपको Redmi 9 में मिलता है MediaTek का Helio G70 वाला प्रोसेसर, जो कि बेस्ड है ऑक्टा कोर के ऊपर, वहीं आपको Redmi 8 में मिलता है Qualcomm Snapdragon का 439 वाला प्रोसेसर, जो कि बेस्ड है ऑक्टा कोर के ऊपर। मतलब ऐसा प्रोसेसर के मामले में आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, जो Redmi 9 है वो भाई बीस्ट है, क्योंकि आप 10,000 में आपको अगर एक गेमिंग प्रोसेसर मिल रहा है तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आप उसे कंपेयर करते हो Redmi Note 8 से, तो भाई Redmi Note 8 का प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं है कि वो Redmi 9 को कंपेयर कर पाए। और बात कर लें Redmi 9 की, तो Redmi 9 में आपको जो MediaTek का जो G70 मिलता है, वो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में काफ़ी मदद करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। 10,000 में गेमिंग फ़ोन मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, जबकि जो Redmi 8 का प्रोसेसर है वो आप काफ़ी लो है उसके सामने। एंड अगर बात करें ऐसा प्राइस की, तो केवल 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो Redmi 9 के लिए मेरे सजेशन के मुताबिक। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके सजेशन बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मिलेंगे ऐसे किसी अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन प्रेस कर देना। और क्या, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।